बच्चों नमो नमः। आज हम आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा सात की, देखो उसका नाम क्या आपको दिखाते हैं, सुगम संस्कृतम। तो सुगम संस्कृतम भाग दो ये हम आपको पढ़ाएंगे, इसका पाठ नंबर तीसरा। तो पाठ का नाम है बालू विद्यालयगामी। तो कहते हैं हरि सह मित्र गिरीश नमो नमः। एषः बालः कः अस्ति, ये बालक कौन है। तो गिरीशः नमो नमः बंधु, एषः मम पुत्रः, ये मेरा पुत्र है। विदित एषः हरीशः, ये जो गिरीश है ये नमो नमः करते हुए कहते हैं ये मेरा पुत्र है, और पुत्र नाम क्या है विदित। तो विदित को अपने मित्र का परिचय कराते हैं और कहते हैं एषः हरीशः मम मित्रम, पुत्र विदित, ए हरीश मेरा मित्र है, प्रणामम कुरु, तुम इसे प्रणाम करो। विदितः प्रणामम करोमि, मैं प्रणाम करता हूँ। हरीशः आयुष्मान भव, कहते हैं दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव। त्वं कस्याम कक्षायाम पठसि, कस्याम कौन सी कक्षायाम, कक्षा में पठसि पढ़ते हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो विदितः अहम सप्तम कक्षायाम पठामि, मैं सातवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। विदितः, तो हरीश ने कहा हरीशः किम त्वं जीवने विद्यालय से महत्वम जानासि, क्या तुम अपने जीवन में विद्यालय के महत्व को जानते हो। तो विदित ने कहा आम मम आचार्यः वदति, हाँ मैं जानता हूँ मेरे आचार्य कहते हैं। तो विदित अपने आचार्य की बात को इस कविता के माध्यम से बताता है। इस कविता को पढ़ाने का उद्देश्य इतना है कि बच्चे इस काव्य के द्वारा इसमें से बनने वाले जो प्रश्न हैं अभ्यास कार्य में वे सब आराम से इसको कर सकेंगे, सारे विकल्प यहीं से क्लियर होंगे। तो हम देखेंगे ध्यान से। पठति पुस्तकम लिखति सुलेखम, पठति पुस्तकम लिखति सुलेखम, बालो विद्यालय गामी, बालो विद्यालय गामी, क्रीडांगणे च खेलति खेला, बालो विद्यालय गामी, ईश वंदनां कुरुते मुदितो, गुरुं नमति अर्चयति कला, संगणके स्वकार्यं कुरुते बालो विद्यालय गामी, बालो विद्यालय गामी, बालोद्याने श्रमं विदधति, वृक्षान् सिञ्चति दया परः, रचयति चित्रं श्यामपाठ्यके, बालो विद्यालय गामी, विविध नाटिका विनयं कुरुते, विविध नाटका विनयं कुरुते, व्यायामं कुरुते स्फूर्तः, लिपिं पठति भाषाम अवगच्छति, बालो विद्यालय गामी, मनोरंजनं ज्ञानवर्धनं शैक्षिकयात्रावी कुरुते, शैक्षिकयात्रावी कुरुते, यातायात नियममवगच्छति, बालो विद्यालय गामी, यदि शैशवे पठति युक्तसन् भवति यौवने गुणशाली, देशं विश्वं सेवितुम् अर्हति, देशं विश्वं सेवितुम् अर्हति, बालो विद्यालय गामी। अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। तो लिखा है पठति पुस्तकम, पुस्तक को पढ़ते हैं,
लिखत सुलेखम सुलेख को लिखते हैं। कौन? बालो विद्यालयगामी। जो बच्चे विद्यालय जाते हैं वे अवश्य ही अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, किताबें पढ़ते हैं और लेख को लिखते हैं। जब विद्यालय जाते हैं तो और क्या करते हैं? क्रीडांगणे च खेलति खेला। क्रीडांगणे का मतलब होता है जो आपका फील्ड होता है, जैसे प्ले ग्राउंड कहते हैं, तो प्ले ग्राउंड का मतलब है क्रीडांगणे, मतलब खेल का आंगन। तो उसमें खेल खेलते हैं कौन? बालो विद्यालयगामी, जो बच्चे विद्यालय जाते हैं। और क्या करते हैं? तो ईश वंदनाम, ईश्वर की वंदना को कुर्तेवाणी करके मुझ तो प्रसन्न होते हैं। हंसते हंसते ईश्वर की वंदना करते हैं। गुरुम नमति, गुरु को प्रणाम करते हैं। अर्चेत कलाह, और समस्त कलाओं को अपनी वंदना करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं। संगणकेश्वर कार्यम कुरुते। और आजकल की जो कक्षाएं हैं वो थोड़ी सी मॉडर्न कक्षाएं हैं। यहाँ पे लिखा संगणक के, कंप्यूटर से अपना, संगणक माने कंप्यूटर, कंप्यूटर से अपना सब काम करते हैं। और क्या करते हैं? कौन करता है? तो बोले बालो विद्यालयगामी, जो बच्चे विद्यालय जाने वाले होते हैं वे सब ऐसे ही काम करते हैं। और क्या करते हैं? बालो उद्याने श्रमम विधते। बाल उद्यान, अब उद्यान में लगा क्या? बगीचे में जाते हैं। श्रमम विधते, वहां कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं। वृक्षान सिंचति, और वृक्षों को सींचते हैं। कैसे? दया पर, बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ और कोमल कोमल वृक्षों का सिंचन करते हैं, उन्हें जल देते हैं। और रचित चित्रम श्याम पट के, और जो श्याम पट होता है जिसको हम लोग कृष्ण फलकम कहते हैं, उस पर जाकर के अच्छे अच्छे चित्र बनाते हैं। यही काम बच्चे विद्यालय जाने वाले करते हैं। और क्या करते हैं? समय समय पर विद्यालय में क्रीडा प्रतियोगिताएं होती है, नाटक होते हैं, तो विविध नाटक अभिनयम करते, अनेक प्रकार के नाटकों का अभिनय भी करते हैं। व्यायाम करते हैं, व्यायाम को करते हुए शरीर में स्फूर्ति लाते हैं, चुस्ती लाते हैं, एक्टिविटी जागती है, कार्य करने का उत्साह आता है। लिपिम पठति, और लिपि का अध्ययन करते हैं, भाषा का ज्ञान करते हैं। कौन? बालो विद्यालयगामी, जो बच्चे विद्यालय में जाते हैं। और क्या करते हैं? तो मनोरंजनम ज्ञानवर्धनम, जो मनोरंजन भी हमको जिससे मिलता है, हमारा ज्ञान वर्धन भी होता है, ऐसी होती हैं शैक्षिक यात्राएं। तो शैक्षिक यात्रा मतलब जो टूर होते हैं, वो विद्यालय से जाते हैं बच्चों को लेकर के इधर उधर घुमाने के लिए, तो ये सब ज्ञान वर्धन और मनोरंजन वाली यात्राएं होती हैं। और जहां से हमें यातायात के नियमों को जानने का एक अवसर मिलता है कि हमें अपने सड़क पर किस तरीके से कैसे चलना चाहिए, और किधर हम लोग अपने से किसी को अगर ओवरटेक करना है, आगे निकलना है, तो कैसे हम लोग ये करें, तो यातायात के नियमों का पालन करते हैं और बालक विद्यालय में जाते हैं। अब फिर क्या होता है? तो बोले यदि शैशवे पठती उक्तसन, यदि बच्चे शैशवे माने बचपन में, यदि बच्चे बचपन में सही सलामत पढ़ते हैं, तो भवती यौवने गुणशाली, तो युवावस्था में वे गुणशाली बन जाते हैं। और देशम विश्वम सेवितुम अर्हति, जब बच्चे गुणशाली बन जाएंगे तो देश विदेश में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ऐसा तभी संभव है जब बच्चे विद्यालय आते हों। तो इस कविता में मुख्य रूप से विद्यालय के महत्व को बताया गया है। और आजकल कोरोना काल में बच्चे विद्यालय से वंचित हैं, तो इस प्रयास में हम सबको सार्थक प्रयास करना चाहिए कि बच्चे विद्यालय में बने रहें, विद्यालय चलते रहें और हम सब आगे बढ़ते रहें। बच्चे हमारे देश विदेश में अपनी सेवाओं को देते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमो नमः। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आपके सामने लिखा है पठति पुस्तकम लिखति सुलेखम। ये पंक्तियां आपको पूर्ण करने के लिए आ सकती हैं, आपके टेस्टों में बार बार आती रहती हैं, तो इनको याद रखिए। ये तभी संभव है जब आपने कविता पढ़ी होगी। पठति पुस्तकम लिखति सुलेखम बालो विद्यालयगामी, क्रीडांगणे च खेलति खेला। क्रीडांगणे च खेलति खेला बालो विद्यालयगामी। आगे लिखा है ईश वंदनाम कुरते मुझ तो गुरुम नमति अर्चेत करा। मैं पास से दिखा देता हूँ आपको, देखिए ऐसे देखिए, ईश वंदनाम कुरते मुझ तो गुरुम नमति अर्चेत कला, संगणके स्व कार्यम कुरते बालो विद्यालयगामी। और देख लीजिए यहाँ पर, ऐसे देखिए, ये देखो पठति पुस्तकम लिखत सुलेखम बालो विद्यालयगामी, क्रीडांगणे च खेलति खेला बालो विद्यालयगामी। ये सब आपके लिए, और ये सब आपको याद होने चाहिए। ये देख लीजिए, ऐसे आपको फिल करना है अपनी किताब में,
आगे चलते हैं हम लोग, यहीं पर इस कार्यक्रम को विराम देते हैं, आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमो नमः।